दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार कूड़े के पहाड़ों को लेकर के गंदी राजनीति करने का काम कर रही है, जबकि उन्हें मालूम है कि यह काफ़ी पहले से है, जब कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया ज़्यादा नहीं थी। अब जबकि लगातार MCD अपने अच्छे प्रयासों के कारण कहीं शास्त्री पार्क में ब्रिक्स लगाने की फैक्ट्री बनाई है, जिसे कूड़े से ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं। अमित शाह जी ने अभी एक पावर प्रोजेक्ट लगाया है जो कूड़े से बिजली बनेगी, और लगातार LG साहब और MCD मिल करके लगातार एक प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। कूड़े का जो 3 पहाड़ मात्र दिल्ली में है, उसमें कहीं आधी रह गई है, कहीं 20 से 22 मीटर कम हो गई है, यानी कि वो प्रक्रिया इतनी तेज है कि अगले 1 से 1.5 साल में वो 0 ग्राउंड पर हो जाएगा और वहाँ पर अच्छे पार्क वगैरह का निर्माण होगा। लेकिन इन्होंने अभी कहा, केजरीवाल जी ने कल जाकर के, कि मैं 5 सालों में इसको समाप्त कर दूंगा और नहीं तो मुझे वोट मत देना। अरे उस वादे का क्या हुआ जो तुमने कहा था 2015 में कि 5 साल में यमुना जी को साफ कर दूंगा, नहीं तो वोट नहीं देना, तो वोट क्यों दें? आपने कहा था प्रदूषण मुक्त दिल्ली कर दूंगा, आपने प्रदूषण रहित दिल्ली कर दिया, लोगों की सांसें घुट रही हैं, वोट आपको क्यों दें? 5 साल में आपने बुजुर्गों की पेंशन नहीं चालू नहीं करी, राशन कार्ड चालू नहीं किया, वोट क्यों दें? आपने कहा था कि हम दिल्ली को वाटर से हर घर में नल जल पहुंचा देंगे, साफ पीने का पानी पहुंचा देंगे, वाटर टैंक मुक्त कर देंगे। आपने वाटर टैंकों की संख्या बढ़ा दी, माफियाओं को संरक्षण दे दिया, घर तक नल जल नहीं पहुंचा। 5 साल का वादा किया था आपने और 5 साल में आपने वादा पूरा नहीं किया, आपको वोट क्यों दें? अरे जिन्होंने पिछले वादे ही नहीं निभाए, वो अगले वादों का क्या करेंगे? दिल्ली की जनता तो पूछ रही है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, और भूलेगी दिल्ली जिस दिन तुम्हें, वो दिन तुम्हारे राजनीतिक जीवन का आखिरी दिन होगा। केजरीवाल जी, झूठ सदन की राजनीति बंद करें, और गोंडा में भी लगातार झूठ फैलाया जा रहा है कि खादर गुजरान में यहाँ लैंडफिल साइट बनेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ गोंडा वासियों, मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा, ये झूठा भ्रामक प्रचार है, और ऐसी कोई लैंडफिल साइट यहाँ नहीं बनने वाली। यहाँ एक यमुना रिवर प्लांट के तहत आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के सहयोग से, उनके मार्फत से, हरदीप पुरी जी वाला और प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ पर अच्छा रिवर फ्रंट बनने वाला है, इसलिए इनके झूठ में, बहकावों में, षड्यंत्र में ना आए। ये सब इनको अब याद आ रहा है, इतने सालों में इन्होंने कोई सुध नहीं ली, अपने वादे पूरे नहीं किए, उसकी नाकामी छुपाने के लिए ये कूड़े के पहाड़ का सहारा ले रहे हैं।